एक लंबे इंतजार के बाद कारगिल वॉर हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक फाइनली रिलीज हो रही है और इसी खास मौके पर हमारे साथ है एक्टर मनमीत कौर, जो इस फिल्म में एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है। तो आइए उनसे बात करते हैं उनके कैरेक्टर के बारे में और फिल्म के बारे में। अ वेरी वार्म वेलकम मनमीत, हाय, थैंक यू सो मच. हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड। तो फिल्म रिलीज होने जा रही है, कैसी फीलिंग है? एक्साइटेड है, नर्वस है? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज्यादा. और ये फिल्म एक्चुअली पिछले साल रिलीज होनी थी, तो एक्साइटमेंट तो अभी बहुत ही ज्यादा हो गई है. बिकॉज लास्ट ईयर जब ये रिलीज नहीं हुई बिकॉज ऑफ कोविड इश्यूज, बट अभी फाइनली अमेजोन प्राइम पे आ रही है एंड एक्साइटमेंट बहुत है. राइट, तो आपका कैरेक्टर क्या है इसमें, थोड़ा सा आप बताइए हम। सो आई एम प्लेइंग दिस कैरेक्टर ऑफ मोना इन द फिल्म, हु इज विक्रम एंड डिम्पल्स बेस्ट फ्रेंड. तो वो जो उनके बीच की कड़ी होती है ना, सो आई एम प्लेइंग दैट कैरेक्टर. और काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है बिकॉज इट्स द सेम, लाइक यू नो, जैसे मैं हूँ रियल में, बबली एंड ऑल दैट. तो यू नो, ये एब्सोल्युटली वैसा ही कैरेक्टर है और पंजाबी बैकग्राउंड है, तो मुझे तो बहुत मजा आया. राइट, और जनरली जैसे हम कोई रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हम मूवीज देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा हम फिक्शन ऐड कर देते हैं, तो आपका ये हाँ जो कैरेक्टर है क्या इसमें थोड़ा फिक्शन है या फिर ये पूरा रियल एक सरकमस्टांसेस से उठाया गया है? नहीं, ये पूरा रियल ही है बिकॉज ये बायोपिक है, तो इट हैज टू बी रियल. और फिक्शन ज्यादा नहीं रखा है बिकॉज इट्स अ ट्रिब्यूट टू विक्रम बत्रा, और वो एक कारगिल हीरो है, तो उनको एज अ कारगिल हीरो ही सबसे ज्यादा फोकस करके दिखाया गया है फिल्म में. तो सेकेंड हाफ फिल्म का तो पूरा वॉर देखोगे, एंड यू विल सी मी इन द फिल्म इन द फर्स्ट हाफ, जहाँ पे वो कॉलेज वाली वो जो वाइब होती है, जब जब डिम्पल और विक्रम मिलते हैं, तो यू नो वो वाले सीन्स में, नोक झोंक वाले टाइम्स, तो देयर यू विल सी मोना. राइट, और आपकी डेब्यू मूवी है राइट, तो हाँ, हाउ डिड दिस फिल्म कम योर वे? दिस फिल्म, सो सी, सिंस आई एम मच इनटू कमर्शियल्स एंड ऑल, तो मैं एड्स वगैरह करती हूँ, तो मूवीज का यू नो, सो देयर इज दिस कास्टिंग डायरेक्टर नेम्ड जोगी बलंग. वो काफी फेमस कास्टिंग डायरेक्टर है मूवीज में. तो ही ऑडिशन मी, ही कॉल्ड मी फॉर दिस ऑडिशन एंड आई ऑडिशन फॉर इट. एंड जब विष्णु सर ने देखा, हु इज द डायरेक्टर ऑफ आवर फिल्म, उन्होंने देखा एंड ही वॉज लाइक, यार ये लड़की एग्जैक्टली, शी इज द मोना दैट वी आर लुकिंग फॉर. तो फाइनली आई गॉट लॉग्ड फॉर दिस कैरेक्टर. और मैं जब धर्मा के ऑफिस गई और मैंने देखा कि यू नो, सिद्धार्थ की फोटो, कियारा की फोटो, एंड देन देर वॉज माई पिक्चर एंड देर वॉज दिस नेम मोना रिटन अंडर माई पिक्चर. और मैं मतलब वो देख के आई फेल्ट सो गुड बिकॉज यू नो, विक्रम एक 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 बायोपिक में एक आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिकॉज आप यू नो, यू डिपिक्ट समवंस कैरेक्टर एंड पीपल आर लाइक यू नो, जो भी हमारे जो टीम के है, सारे डायरेक्टर सर है, शबीर सर है हु इज अ को प्रोड्यूसर, तो वो सारे यही कह रहे थे कि शी इज एग्जैक्टली द मोना दैट यू नो वी वर लुकिंग फॉर. राइट, और क्या आपकी प्रिपरेशंस या रिसर्च थी फोन के लिए? या रिसर्च वगैरह तो थी, मुझे पता चला कि लाइक यू नो, आई आई आस्क्ड कि मोना एक्चुअल में कैसी है, तो मुझे पता चला अभी वो फिलहाल लाइक शी वाज एग्जैक्टली लाइक मी, और वो अभी फिलहाल यूएस में है, एंड शी वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड कि यू नो, आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर. और सिद्धार्थ और कियारा के साथ कैसा एक एक्सपीरियंस रहा शूटिंग का? सिद्धार्थ एंड कियारा, मतलब मैं आपसे ये कहूंगी, ये सिद्धार्थ एंड कियारा ना दोनों इतने फ्रेंडली थे मेरे साथ, एंड आई फेल्ट लाइक फैमिली बिकॉज हम शॉट के बाद हम साथ में बैठते थे, और हम लाइक यू नो, हम गेम्स खेलते थे. सिद्धार्थ का फेवरेट स्नैक होता है एक मखाने, इफ यू नो मखाने, तो वो टिफिन में हमेशा मखाने लेकर आते थे एंड ही यूज टू शेयर. तो हम काफी गॉसिप वगैरह करते थे, चिट चैट करते थे, डम शरारत्स खेलते थे, मैं टीम सिद्धार्थ में होती थी. ऐसे काफी छोटी छोटी इंसिडेंट्स हैं बहुत सारे. इट वाज फन, मुझे नहीं लगा कि मैं काम करने आई हूँ, मुझे ऐसा लगा कि आई एम ऑन अ ट्रिप विथ माय फ्रेंड्स, एंड आई फेल्ट लाइक यू नो, आई एम द रियल मोना,
सिद्धार्थ इज रियल विक्रम एंड क्यारा इज रियल डिम्पल. तो मुझे तो पूरा रियल फीलिंग आई, पूरा रियल वाइब आई हैव लिव्ड. राइट. और जैसा कि आपने बताया कि फर्स्ट हाफ में है और कॉलेज लाइफ उनकी दिखाई गई है, तो कहाँ पे ये जो सीक्वेंसेस थे कहाँ पे शूट किए गए थे? काफी सारे जगह है जहाँ पे शूटिंग हुई हमारी. सो वी शॉट फॉर इट इन पालमपुर हिमाचल, फिर चंडीगढ़ में काफी सारी शूटिंग हुई थी, और एक दिन का शूट हमारा बॉम्बे में भी था, और बाकी मोस्ट ऑफ द फिल्म वॉर फिल्म है तो कारगिल वाली साइड शूटिंग हुई थी. तो इट वॉज इनफैक्ट जो विक्रम बत्रा की जब एंड में उनका वो जो सीन होता है, तो वो सीन भी रियल लोकेशन में शूट किया गया है. सो इट वॉज ऑल द रियल फील दैट वी गॉट, यू नो, जब हम वहाँ पे गए एंड यू नो वो सेम वही जगह थी, एंड यू नो एंड वो वाइब भी हमें वैसी आ रही थी, बिकॉज यू नो आर्मी पीपल एवरीवेयर और सब अपने, एंड यू लुक एट ईच अदर, जैसे वो हम एक्शन हुआ एंड एक्शन से पहले ही इनफैक्ट सारी एवरीबडी वाज क्राइंग. राइट, बहुत ही इमोशनल सीन था. अभी आप मुझे बता ही रहे हैं ना, तो आई एम गेटिंग ऑल गूज़बम्प्स एंड आई कैन इमेजिन. आई एम श्योर, या मुझे बताते वक्त भी हो रहा है, बिकॉज आई एम गोइंग बैक इन द टाइम व्हेन आई वाज एक्चुअली शूटिंग फॉर दिस फिल्म, एंड हम सारे लाइक यू नो वी ऑल द होल कास्ट वी वर लाइक, हमें पता है कि ये फिल्म बहुत अच्छा करने वाली है, बिकॉज विक्रम बत्रा की बायोपिक बननी चाहिए थी और बनी है. And excitementful, wahi dil mange more, you know, waisa excitement hai. Everybody is messaging me like, you know, finally ye Shersha release ho rahi hai, because pehle theater release thi. And abhi meri kal hi message mein baat hui thi Raj sir se, jo ki Good News ke director hai. To unhone kal Delhi mein movie dekhi, to choti si screening rakhi thi. To unhone yahi jab maine unse kaha ki I'm glad you like the film sir, to unhone mujhe unhone bhi mujhe congratulate kiya, aur unhone apne caption mein ye cheez likhi thi ki you know if there is one film that should have released it, released in the theaters after COVID is Shersha. तो वो वाइब और वो जो आप कमेंट्स पढ़ते हो ना, इट इटसेल्फ इज मेकिंग अस ऑल फील सो प्राउड, एंड हमें वी आर सो कंटेंट कि यू नो चलो ठीक है, मतलब पीपल नो कि आप डजंट मैटर अब तो कि अमेज़न पे आ रही है या यू नो थिएटर पे आ रही है, एक तरह से अच्छा ही है कि पीपल हम बिना डर के देखेंगे मूवी और बिना मास्क के देखेंगे. पॉपकॉर्न बनाओ, फैमिली के साथ बैठो, यू नो, एंड एंजॉय द फिल्म. राइट, बट ये जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है क्योंकि करोड़ों लोगों के इमोशंस जुड़े हैं इससे. हाँ, हाँ. तो आपके भी क्या ऐसे इमोशंस इससे जुड़े हैं, और क्या एक प्रेशर फील हो रहा है रिलीज को लेकर? प्रेशर फील नहीं हो रहा, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है. डर एक्चुअली था मुझे कहीं ना कहीं कि मैं जस्टिस कर पाऊंगी कि नहीं कैरेक्टर को लेकर, और इतना बड़ा सेट है क्योंकि धर्मा की फिल्म है और यू नो मेरी पहली फिल्म है ये धर्मा, एंड इट्स अ बिग यू नो ऑनर फॉर मी कि बैनर इतना अच्छा है और बायोपिक है विक्रम बत्रा की, जो कि मैं बहुत ही ज्यादा मुझे ना, बिकॉज पेट्रियोटिक हम सारे हैं हिंदुस्तान में, और अभी यू नो और ये जो रिलीज का टाइम है ना 15 अगस्त के आसपास, दैट्स द बेस्ट फील, और वो वाइब भी सब में इतनी ज्यादा है, तो इट्स अ डिफरेंट फील. तो डर से ज्यादा अब तो एक्साइटमेंट ने ओवरटेक कर लिया है. राइट. और आप कैप्टन विक्रम बत्रा की फैमिली से भी मिली हैं सपोज? या तो एक्चुअली आई फील आई एम वेरी प्रिविलेज्ड एंड आई वाज वेरी लकी टू बी देयर, बिकॉज कास्ट में सिद्धार्थ क्यारा और सिर्फ मैं ही गए थे वहाँ पे उनके घर पे, एंड आई मेट विशाल सर जो कि विक्रम बत्रा के ब्रदर हैं, एंड वो भी इतने सारे इतने डाउन टू अर्थ. आई मेट हिज सिस्टर, आई मेट विक्रम बत्रा के पेरेंट्स से भी मैं मिली उनके, और उनका घर यू नो यू सी एक एक मतलब उन्होंने एक तरह से ना एक लाइब्रेरी सी रखी हुई है. So you see his pictures everywhere, you see his medals everywhere. और वो देख के ना, मतलब आई रिमेम्बर आई आई सॉ दो, हम मैं सिद्धार्थ कह रहा हूँ ना, ऐसे
बुक वुक वो सब देख रहे थे, फोटोग्राफ्स देख रहे थे, एंड विशाल सर जो कि उनके ब्रदर है वो हमें बता रहे थे कि देखो ये यहाँ पे ऐसा हुआ था, तो ये उस दिन की बात है जब मुझे फोन आया, एंड यू नो आई आई वॉज लाइक नहीं ऐसा नहीं हो सकता ही मतलब, एंड उनके ये भी प्लान्स थे कि हाँ मैं वापस आऊंगा और ये सब चीजें, तो नोबडी खैर बहुत सारी स्टोरीज है, और हम इतना इमोशनल फील कर रहे थे, वी फेल्ट सो कनेक्टेड, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे एक्चुअल में लग रहा था कि मैं मोना हूँ, विक्रम को एक्चुअली पता, देखो सी सिद्धार्थ को एक्चुअली लग रहा था कि वो विक्रम है, और क्यारा को लग रहा था वो डिम्पल है, तो हम वो स्पार्क था हमारे बीच में, फेल्ट लाइक फैमिली, फेल्ट लाइक फ्रेंड्स, इतना कंफर्टेबल फील किया मैंने शूटिंग के टाइम में भी, बिकॉज ना बीच बीच में आई रिमेम्बर कि मैं ऐसा हो जाती थी कि अच्छा, बिकॉज फिल्म का सेट बहुत अलग है एडवर्टाइजमेंट्स के सेट से, और मैं एड्स करती हूँ तो मैं फिल्म्स का मुझे उतना आइडिया नहीं था, और मुझे वहां पता चला कि अच्छा दो कैमरे होते हैं ये वो ऐसा, तो मुझे सिद्धार्थ और कियारा ने इतना सपोर्ट किया सेट पे कि हाँ मन्नीत ऐसा, यू नो कियारा टोल्ड मी अबाउट द एक्सेस थिंग, ये वो बहुत बारीकियां होती है जो कि हमें शायद नहीं पता, अगर हम मूवीज हमने नहीं किए या हमने सेट नहीं देखा है तो हमें नहीं पता कि हम कैसे शूट करते हैं, तो आई थिंक मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, माई फर्स्ट एक्सपीरियंस हैज बीन सो ग्रेट, एंड आई फेल्ट लाइक फैमिली। राइट और आप जो कियारा रोल प्ले कर रही हैं डिंपल हाँ का, हाँ आप उनसे मिली हैं? एक्चुअली डिम्पल किसी से ऑनेस्टली मिलना नहीं चाहती थी, सो इनफैक्ट क्यारा और क्यारा ने भी मतलब वीडियो कॉल पे ही बात हुई थी, बिकॉज वो होता है ना कि आप मतलब इट्स योर पर्सनल लाइफ शायद दैट्स वाई, तो वो थोड़ा सा मतलब शी वांटेड टू बी अ लिटिल पर्सनल, राइट बट यू नो उनकी सबसे अच्छी चीज ये है कि यू नो शी इज नॉट मैरिड येट विथ एनीबडी एल्स, तो वो जो बॉन्डिंग है ना तो अभी भी लाइक यू नो शी फील्स फॉर विक्रम, एंड आई डोंट नो आई फील मतलब इतने इमोशनल हो रही हूँ मैं अभी, अलग ही है सारा कुछ, बायोपिक शूट करना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू नो बाकी ऐसे फिल्म्स। और आपने जैसे अब ये मूवी कर ली है, आप उनकी फैमिली से भी मिली है, तो जनरली क्या होता है कि सोल्जर्स की फैमिलीज को अक्सर अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, उनको उतनी एक तरह से रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है, अननोटिस्ड वो लोग चले जाते हैं उनके सैक्रिफाइसेस के लिए, तो क्या एक मैसेज है जो आप लोगों को देना चाहेंगी? मुझे तो बिकॉज मैं उनकी सिस्टर से भी मिली, मम्मी पापा तो ठीक है, मैं उनकी सिस्टर से भी मिली और वो इतना खुश थे, उनको जब पता चला कि हम सारे आए हैं, दे वेलकम्ड, वो बोलते ना वॉर्म वेलकम, बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हमारा स्वागत किया, तो ऐसा लग रहा था कि हम अपने किसी रिश्तेदारों के घर पे गए हैं, वो वाली फीलिंग आई, तो बहुत प्राउड थे उनके पेरेंट्स भी और अभी भी हैं, और आई सल्यूट देम कि वो वो वाली चीज फॉर फॉर देयर जिगरा और मैं ये मैसेज देना चाहूंगी जो उन सोल्जर्स की फैमिली है कि हम सब आपकी फैमिली है, एंड वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू, हम यहाँ पे अच्छे से बैठे हैं, हंस खेल रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ यू गाइज, आपके बच्चों के वजह से ही हम ऐसे बैठे हैं इतने इत्मीनान से, सेफ एंड साउंड हम अपने अपने घरों में, और आई सल्यूट यू ऑल। और आप एक पंजाबी फिल्म में भी नजर आने वाली हैं, यस राइट? यस हाँ, वो मेरी पंजाबी फिल्म एक्चुअली अगले साल आएगी, मेरी पंजाबी फिल्म का नाम है तू जुदा, और वो हमने कोविड के टाइम में ही शूट किया, एंड थोड़ी सी फिल्म की शूटिंग पहले हो रखी थी, बट मोस्ट ऑफ द शूटिंग वाज़ टू बी डन इन लंदन, बट अभी लंदन का वो हुआ नहीं, तो वी ऑल लाइक यू नो डिसाइडेड कि लेट्स फिनिश द फिल्म इन पंजाब, एंड बहुत अमेजिंग उसका भी जो काम बन के निकला है वो भी बहुत अमेजिंग है, तो अभी उसकी डबिंग बाकी है एंड अगले साल तक आ जाएगी वो भी, और वो किस तरह की मूवी होने वाली है? क्या वो भी थोड़ी सीरियस टाइप है या थोड़ा फनी फिल्म वो होने हाँ वाली है? वो सीरियस टाइप फिल्म है, फुल ऑफ लाइक यू नो इमोशंस एंड ऑल दैट, जैसे आपने अगर आपको पता हो किस्मत एक मूवी आई थी सरगुन मेहता की, तो ये
उस लेवल की आपको फिल्म लगेगी, यू नो, वो जो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पंजाबी फिल्म्स आर वेरी यू नो ऐसे हंसी मजाक टाइप्स, तो इसमें यू विल गेट एवरीथिंग. एंड जो बेस ऑफ द फिल्म है, बिकॉज जो टाइटल है टू जुदा, तो यू नो इट इज, इट विल गिव यू द फील व्हाट किस्मत गिव यू. ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस हाँ कॉन्वर्सेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म्स रिलीज. थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अलॉट फॉर हैविंग मी. एंड मुझे बहुत मजा आया बात करके. प्लीज वॉच माई फिल्म ऑन अमेजॉन प्राइम, 12th को आ रही है. डेफिनेटली, थैंक यू, बाय. थैंक यू, बाय.